और केस आपकी खिदमत में हाजिर है। ये बच्चा है अताउर रहमान, 10 साल इसकी उम्र है। इस बच्चे को बाई बर्थ जो था वो यूरिन का प्रॉब्लम था, यूरिन से जो है वो सिलाई डाल के करना पड़ता था, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ थी और इसके जो जितने भी पैरामीटर्स थे वो सारे डिस्टर्ब थे। एक तो गुर्दा इसका शिलिंग हो रहा था, दूसरा जो इसके क्रिएटिनिन और यूरिया था वो बढ़े हुए थे, वो 3 से ऊपर रहते थे, 3 से 4 कभी हो जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से इसका जब इलाज शुरू किया गया 4/8 को इसका इलाज स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त से लेके अब तक जो है वो सूरत हाल जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है। अब बच्चे का पेशाब जो है वो कभी कभी सिलाई लगानी पड़ती है, बाकी पेशाब इसका जो है वो रूटीन से आ रहा है। बच्चे से बच्चे का वालिद और इसके बच्चे से बात करें। बेटा कैसा पेशाब अब आपका बोलो, बताओ कैसा पेशाब आ रहा है पहले से? थोड़ा सा ठीक आता है पहले से या पहले से तकलीफ के साथ आता है? कम आता है, सही आता है पहले से? आप बताएं इसकी कैफियत कैसी है पहले की नस्बत? अब बेहतर है जी, क्योंकि पहले तो इसका क्रिएटिनिन और यूरिया भी बढ़े हुए थे जी जी, तो इसके वो यानी जो क्रिएटिन था वो कम से कम ऊपर चला जाता था 3-4 पे जी जी जी, तो यूरिया भी 100 तक 95 तक भी चला जाता था जी 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 जी, अभी 71 है और क्रिएटिनिन भी इसका 2। हाँ जी, बाकी इसको पेशाब को नाली के थ्रू ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जी जी जी। वो जब पहले जैसा करते हैं या पहले से कम करते हैं आप? अब कुछ कम करते हैं। कम करते हैं जी। तो इसके जो जितने इसके पैरामीटर्स थे वो रिपोर्ट्स भी मेरे पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा पहले से काफ़ी बेहतर है। इसी तरह के मेरे पास और भी पेशेंट हैं जिनको बाई बर्थ यूरिन का प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पेशेंट जो है वो मैथमेटिकली उसका ट्रीटमेंट किया गया तो बच्चे काफ़ी सारे बेहतर हो गए। इस बच्चे का भी जो हमने स्टार्ट लिया था वो थूजा से एक रेमेडी है हमारी होम्योपैथिक की, तो उससे रेमेडी से हमने इसको स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काफ़ी कंट्रोल में है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक सिंगल रेमेडी का जो काम यहाँ पे हम कर रहे हैं तजम्मल होम्योपैथिक स्टोर उकाड़ा पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैं तमाम दोस्तों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो अक्सर सिंगल रेमेडी की जो है वो उसको तरीका इलाज को जो है वो बड़ा देर पा और गैर मुसर समझते हैं, उनके लिए एक वाज़े पैगाम है। ये एक तसलसल है जो हमारा मैं जो वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ कि सिंगल रेमेडी जो है वो बेहतरीन रिजल्ट देती है। अस्सलाम वालेकुम।